तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे देश के जितने भी नर्सिंग असिस्टेंट के बच्चे हैं। बहुत अहम समय और बहुत अहम अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल 17 अप्रैल के ऑनवर्ड्स आपके एग्जाम शेड्यूल हो रहे हैं बच्चा। इस दौरान जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कितना टू द पॉइंट स्टडी कर रहे हैं, दैट मीन आप क्या उन टॉपिक को वाकई में कवर कर रहे हैं जिन टॉपिक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन होने वाले हैं, ये चीज़ समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और आप सबके आदेश पर मैं फिर से हाजिर हूँ एक बार डिटेल्ड सिलेबस एनालिसिस लेकर के, क्या क्या आपका क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाने वाली हैं, और साथ ही साथ उसकी बेहतर तैयारी आप कैसे किसी के साथ जुड़ के कर सकते हैं इसके विषय में बात करना है, क्योंकि इस बार फिर से देश में सबसे बड़ा रिजल्ट का रिकॉर्ड क्रिएट करना है एमकेसी के माध्यम से, और बिल्कुल आप एमकेसी के साथ जुड़ के ही वो चीज़ कर पाएंगे। तो आज मैं आपके सामने बिल्कुल सिलेबस एनालिसिस देता हूं। बाकी किसी भी तरह क्वारी इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल कर सकते हैं 9696330033 पर। अब आइए हम लोग समझते हैं सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को। तो जनरल नॉलेज से 10 क्वेश्चन है, बायो से भी 15 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री से 15 है, तो 15 15 30 10 40 ये हो गया। 5 आपके मैथ के पार्ट हैं, 5 आपके फिजिक्स के हैं। ओवरऑल मार्क्स देखें तो 200 मार्क्स आपके आते हैं, बिल्कुल 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, तो सोच समझ के करना है। 80 मार्क्स इन्होंने पासिंग मार्क का क्राइटेरिया रखा हुआ है, बट इसका कोई वैल्यू नहीं है, आपका स्कोर ठीक ठाक होना चाहिए बेटा। आप ये दिमाग में रख के चलो कि आप कोई स्कोर बिल्कुल 70% के आसपास होल्ड करना है, तभी जाकर के फाइनल कट ऑफ, क्योंकि 2 कट ऑफ जनरेट होंगे बेटा, एक जो फिजिकल जाने के लिए ज़रूरी है, फिर एक फिजिकल के बाद भी फाइनल कट ऑफ बनेगी बच्चा, जो ऑब्वियसली आपके रिटर्न के मेन स्कोर पे ही बेस्ड होगी, ठीक है। इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ आपको स्कोर ऐसा करना है कि कोई क्वेश्चन मार्क ना रह जाए। अब आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले जनरल नॉलेज को ही उठा लेते हैं। बिल्कुल सिंपल दिख रहा है बेटा, एब्रिविएशन से क्वेश्चन होंगे, स्पोर्ट्स से पूछा जाएगा बेटा, खेलकूद हो गया, अवार्ड्स एंड प्राइजेज हो गई, जितने अवार्ड एंड प्राइजेज हैं, टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन होगा बच्चा, इंडियन आर्म फोर्सेस, कॉन्टिनेंट्स एंड सब कॉन्टिनेंट से क्वेश्चन बनेगा, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज हो गई, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, बुक एंड ऑथर्स हो गए, करंट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड इवेंट्स हो गए, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी हो गई, यही सब टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन आपसे बच्चा वहाँ पर पूछे जाएंगे। तो बड़ा ज़रूरी है कि आप बेटा इन टॉपिक्स पर स्पेशली काम करें भैया, और इन टॉपिक पर बेस्ड जो क्वेश्चन है रटने की कोशिश मत करना बच्चा, अच्छे से पढ़ना है, और इन पर बेस्ड क्वेश्चन को क्या करना है आपको, ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करना, जितना बार देख लोगे भैया उतना आपको मदद मिलेगी अपने एग्जाम में बेहतर कर पाने का। मैथ में बेटा अलजेब्रा, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स हो गया, एनालिटिक ज्योमेट्री हो गई, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, इंटीग्रल कैलकुलस हो गया, डिफरेंशियल कैलकुलस हो गया, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स हो गई, नंबर सिस्टम हो गया, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस हो गया, मेंसुरेशन हो गया, एरिया वैल्यू मैन, सरफेस एरिया ईटीसी। तो ये टॉपिक आपके मैथ के हैं जो हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। टॉपिक में बार बार जोर दे रहा हूं बेटा कि बहुत कुछ पढ़ ले रहे हो बट जो काम का है वो नहीं पढ़ रहे हो तो दिक्कत होगी भैया, इसलिए आज हम इन टॉपिक को स्पेशली डिफाइन करने आपके सामने आए, जिससे आप कॉन्सेप्ट भी इन्हीं टॉपिक पर काम करें बच्चा, और क्वेश्चन भी इन्हीं टॉपिक का लगाएं। और मेजर कल्सी क्लासेस का हर बच्चा इन्हीं टॉपिक पर मेहनत कर रहा है, क्वेश्चंस लगा रहा है, जिससे वो एग्जाम में बेहतर कर सके। तो आप भी हैं हमारे साथ, इसको मेहनत करके बेहतर करें। केमिस्ट्री की बात कर लें तो ऑब्वियसली बड़ा रोल है भाई, 15 क्वेश्चन है, मैटर करता है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस हो गए, एलिमेंट्स हो गया, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स हो गए बच्चा, सिंबल्स हो गए, फार्मूले एंड सिंपल जो है केमिकल इक्वेशन हो गया, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एंड वाटर हो गया बच्चा, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन हो गया भैया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया एंड कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो गया पूरा का पूरा, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स हो गए, कार्बोनेट्स फॉर्म हो गया भैया, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स हो गए, एलिमेंट्री आइडिया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, एटॉमिक इक्विवेलेंट एंड मॉलिक्यूलर वेट। ये बेसिकली आपके केमिस्ट्री का टॉपिक है, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, यही टॉपिक है जिनके बेटा कॉन्सेप्ट पे भी काम करना है भैया, और जो इस पे बेस्ड क्वेश्चन है नर्सिंग स्टैंडर्ड के वो भी साथ ही साथ लगाना जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूं कि मेजर कल्सी क्लासेस के कैंपस में ये सबसे बड़ी खास बात आपको मिलती है बच्चा, कि बिल्कुल टू द पॉइंट हम लेके चलेंगे आपको, और हम स्पेशलाइज्ड हैं इस चीज के, ठीक है ना, हम पहले से ही रिटर्न में मास्टर रहे हैं बेटा, और हम रिटर्न में मास्टर बनाएंगे हर बच्चे को, बिल्कुल जीरो से हीरो बनाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। स्क्रीनशॉट ले लिए, अब आ जाते हैं बायोलॉजी, जो अगला दूसरा सबसे अहम चीज है बेटा, 15 क्वेश्चन जिसमें बेसिक पूरी बायोलॉजी की हो गई, लाइफ प्रोसेस हो गया, स्टडी ऑफ बर्ड्स हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गया, फिर यूनिकनेसेस ऑफ ह्यूमन बॉडी हो गए, फिर साथ ही साथ जो है आपका फूड एंड हेल्थ हो गया, नेसेसिटी ऑफ बैलेंस्ड डाइट क्या है, वेस्टफुल फूड एंड प्रैक्टिसेस, फूड यील्ड एसेंशियल फॉर द गुड हेल्थ, साइकिल ऑफ मटेरियल्स, इकोलॉजिकल बैलेंस हो गया, लिविंग रिसोर्सेज हो गया बच्चा, और आपका हैबिटेट एंड ऑर्गेनिज्म हो गया, और अडेप्टेशन आपका होगा। ये बेसिकली टॉपिक जो है बायोलॉजी के टॉपिक है जिनको आपको अच्छे से कवर करना है। तो ये बेसिकली टॉपिक्स थे जो कवर करने थे। फिजिक्स भी है 5 क्वेश्चन, तो उस पर भी ध्यान देना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड स्टेट्स ऑफ मैटर हो गया, मासेज हो गया, वेट हो गया, वैल्यूम डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज हो गया बच्चा, प्रेशर बैरोमीटर हो गया, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फोर्स एंड मोमेंटम,
पैलोग्राम एंड फोर्सेस, स्टेबिलिटी एंड इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज, तो ये बेसिकली टॉपिक हैं जो आपसे वहाँ पर पूछे जाएंगे। तो इसका भी स्क्रीनशॉट फिजिक्स का भी एक बार लेके रख लो। फिर ग्रेविटेशन, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ वर्क, पावर, एनर्जी, फिजिक्स में क्वेश्चन कम है लेकिन सिलेबस देख सकते हो कितना बड़ा है, तो बढ़िया से अच्छे से कवर के चलिए, ठीक है। बाकी अभी तक अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो MKC लर्निंग ऐप पर जरूर आप जुड़िए, और किसी भी तरह के अपडेट के लिए आप हमें कॉल करिए 9696330033 पर, ठीक बच्चा। और ऑनलाइन भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बिल्कुल बहुत ही रीजनेबल चार्जेस में है, तो आपको बेसिकली लास्ट टाइम वो कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस हम दे देंगे जिससे मदद हो जाएगी, या फिर बुक भी आप मंगा सकते हैं MKC पब्लिकेशन के माध्यम से, जिसकी मदद से जो है आप उन बुक्स से भी उन क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए अहम है। तो आशा करता हूं आपको नर्सिंग का पूरा सिलेबस क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। अब बस आपकी एक ही जिम्मेदारी है बेटा कि लास्ट टाइम बचा हुआ है, हिम्मत मर्दा मर्दे खुदा, तो खुद पे भरोसा, मेहनत बहुत ज़रूरी है। होली का फेस्टिवल है आई नो, बट इस फेस्टिवल के साथ साथ कहते हैं आपके लाइफ का रियल फेस्टिवल तो तब आएगा जब आप सफलता अर्जित करेंगे। तो बस एक लक्ष्य बना लेना कि मैंने आपसे कहा है बेटा कि 140 का स्कोर ठोंकना है, और अगर आप सच्ची शिद्दत और लगन से लग जाएंगे बेटा तो कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं, आप इसको बेहतर कर सकते हैं। बाकी किसी भी तरह के क्वारी एंड कन्फर्मेशन के लिए कॉन्टैक्ट जरूर करिए 9696330033 पर। हर तरह से MKC आपकी मदद करेगा आपके रिजल्ट्स को बेहतर करने के लिए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।